सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल एनआई3 को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि पाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्निकल एनआई3 में। आज हम रिव्यू करेंगे सैमसंग A8 प्लस का, तो देखेंगे कि ये किस तरह से इसके फीचर हैं और ये मार्केट में अपनी पकड़ बना सकता है या नहीं, और इसके कंपेरिजन में कितने फ़ोन हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बात करें इसके डिज़ाइन की तो कवर्ड ग्लास बैक पैनल और इन फ्रंट डिस्प्ले है। इस डिवाइस की मोटाई 8.3 mm है, हैंडसेट की चौड़ाई 75.7 mm है और लंबाई 159.9 mm है। फ़ोन की बॉडी बेहद ही कॉम्पैक्ट है, 6 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद फ़ोन को हाथों में आसानी से पकड़ सकते हैं। इसका जो वेट है 191 ग्राम है। देखा जाता है गैलेक्सी S8 Plus से भी ज़्यादा वजनदार है। 8 में 6 इंच का सुपर एमोलेड HD डिस्प्ले मिलता है और व्यूइंग की बात करें तो ठीक ठाक है। कलर रिप्रोडक्शन का स्तर भी बढ़िया है। 8 में आपको ऑन स्क्रीन बटन मिलता है। सैमसंग के पहली बार इस बार दो कैमरे दिए हुए हैं फ्रंट में, जो एक 16 मेगापिक्सल का एक 8 मेगापिक्सल का है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है इसमें, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे फ़ोटो खींच सकते हैं, पोर्ट्रेट मोड में भी फ़ोटो खींच सकते हैं। कैमरा जो है ठीक ठाक फ़ोटो खींच लेता है, पर उतना खास भी नहीं है कि मैं एकदम इसको बोलूँ कि बहुत ही अच्छी फ़ोटो लेती है। ठीक ठाक है एक तरह से। इसका पिछला बैक पैनल है वो एक तरह से ग्लास का है, जो एक अच्छी ग्रिप देता है। फिंगरप्रिंट सेंसर है, बाईं तरफ वॉल्यूम के बटन को जगह मिली है। यहीं पर एक नैनो सिम ट्रे के लिए भी मौजूद है। USB टाइप सी पोर्ट, माइक्रोफोन 3.mm हेडफोन जैक नीचे दिया गया है। टॉप पर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, यहीं पर दूसरे सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट दिए गए हैं। 8 में नया ऑक्टा कोर सैमसंग एक्सिनोस 7885 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। सर्वाधिक क्लॉक स्पीड 2.2 GHz है। बता दें कि एक्सिनोस 7885 प्रोसेसर सैमसंग का लेटेस्ट मिड रेंज चिपसेट है। हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा है। इन बिल्ट मेमोरी में आपको 64 GB मिल जाएगी 6 GB RAM के साथ। ज़रूरत पड़ने पर आप इसे 256 GB तक आप बढ़ा सकते हैं। तो जो आपको बैटरी दी गई है वो मिलता है आपको 3500 mAh की, तो एक अच्छी बात है। अब पूरे तरह से देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो एक ठीक ठाक फ़ोन है, पर उतना अच्छा भी नहीं है। और इसके कंप्यूटर में है 1+5T, जो कि वो भी बेहतरीन फ़ोन है। कैमरा के मुकाबले करूँ तो इस सैमसंग का जो ये आप जो डुअल सेटअप दिया है, इससे कहीं अच्छा आपको 1+5T में मिल जाता है। लेकिन जो सैमसंग का फैशन लुक सिस्टम है वो थोड़ा स्लो है, जहाँ तक बात करते 1+5T के मुकाबले आपको। लेकिन सैमसंग 8 प्लस में आपको मिल जाता है वाटरप्रूफ, जैसा कि आपको 1+5T में नहीं दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है और आप एक तरह से सोच सकते हैं कि आप लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा कि 1+5T इससे ज़्यादा बेहतर है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।